खबर सीतापुर से है, जहां पर संदना थाना क्षेत्र के खाले कोडवा ग्राम पंचायत नारायणपुर में किसान कार्ड बनाने के नाम पर गुंडला मऊ के बैंक कर्मियों द्वारा खुलेआम घूस मांगी जा रही। घूस का पैसा न देने पर अभद्रता की जाती है और बैंक से भगा दिया जाता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मुझसे गुंडला मऊ के बैंक कर्मियों ने कहा कि 50,000 रुपए दो तो तुम्हारा किसान क्रेडिट कार्ड बना देंगे। क्या समस्या है बताओ? समस्या भैया है, गुंडला मऊ बैंक क्या मान लीजिए 50,000 रुपया मांग रहे हैं। काहे के लिए कहते हैं? तब फाइल करेंगे, गाली देते हैं, फसल घर जाए यहाँ पर पैसा नहीं देंगे। और मंत्री सीतापुर के पास है और यहाँ सर्वे वर्वे हो चुका है, सर्वे कर लेंगे, केवल बैंक में यहाँ अटकाए हैं, गाली देते हैं और गंदी गंदी कहते हैं भग जा साले, यहाँ लोन नहीं करेंगे। कई रुपए की फाइल बनी रहा? 2,20,000 की। 2,20,000 कितने रुपए मांगत? 50,000। 50,000 पहले पैसे दो तब बात फाइल करेंगे। तो हम कहें बाबू जी पैसा होती तो लोन काहे नहीं करेंगे, बहुत समस्या है, गाली देते हैं। का नाम? कौन गांव? खालेपुरवा। ग्राम पंचायत? नारायणपुर। सीतापुर से नीलांचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर रायबरेली के महाराजगंज से है, जहां पर गल्ला मंडी में रात के अंधेरे में धान क्रय केंद्रों पर तौल की जाती है। खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही धान खरीद रहे अधिकारियों ने सत्ताधारी नेताओं और राइस मिलों के जरिए सेटिंग गिटिंग और जुगाड़ लगाने का खेल शुरू कर दिया है। शनिवार की रात मंडी में धान की तौल की जा रही थी, जिसका वीडियो बना रहे किसान से मंडी के गुर्गे मोबाइल छीनने का प्रयास करते हैं। किसान सोमवार को जिलाधिकारी को वीडियो फुटेज सौंप कर अधिकारियों की काली करतूत दिखाने का प्रयास किया। महाराजगंज रायबरेली से अरविंद मौर्य की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर जौनपुर के तहसील सागन से है, जहां ब्लॉक सुईताकला के विकास खंड अधिकारी रामदरस यादव ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत 5 मॉडल तालाब का निर्माण किया गया है। कमरपुर सवायन गैरवा सुईताकला में मनरेगा पार्क का निर्माण किया गया है। पंचायत विभाग के द्वारा सभी ग्राम पंचायत में सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया है और सभी प्राथमिक विद्यालयों में कायाकल्प का कार्य, विकलांग शौचालय निर्माण किया गया और सुंदरीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। जौनपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ के तहसील बक्सी का तालाब में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने संगठन सृजन अभियान के तहत बक्सी तालाब में 159 विधानसभा के भवानीपुर, हेमी गांव, पहाड़पुर, कुमरावा, सोनारनपुरवा, कठरावा एवं मलिहाबाद विधानसभा के खुराफर गांव का दौरा किया। साथ ही अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान पर चर्चा की। उन्होंने लोगों से कहा कि आप कभी भी हमारे कार्यालय पर आकर बात कर सकते हैं, हमने क्षेत्रीय कार्यालय आपकी सुविधा के लिए ही प्रारंभ किया। भक्ति तालाब से परमानंद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।